कहा था कि हम बगैर आरक्षण के चुनाव नहीं करा सकते, तो उस पर एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आने के बाद स्वीकारोक्ति उस पर दिखाई पड़ती है। और विपक्ष का ये अनर्गल आरोप आज झूठा साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण नहीं देना चाहती, जबकि समाजवादी पार्टी सरकार के समय उन्नत में पिछड़ों को आरक्षण नहीं सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को रोकने का काम समाजवादी पार्टी के समय किया गया। अब आज जो निर्णय आया है उससे एक स्पष्ट हुई है कि जो हमने 2017 में जो रैपिड सर्वे के अनुसार चुनाव कराया था, उसके द्वारा जो हम 2022 में चुनाव कराना चाह रहे थे जी, तो उस प्रक्रिया के बजाय 3T फार्मूला को अपनाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो हम उसको 3T फार्मूला को अपनाएंगे। हालांकि दोनों में तमाम प्रावधान एक से हैं, कॉमन हैं, लेकिन फिर भी जो माननीय न्यायालय का निर्णय होगा उसका पालन सरकार करेगी। लेकिन सर देखिए, विपक्ष जो है वो लगातार आरोप लगा रहा था कि देखिए जो पूरी आरक्षण की प्रक्रिया है उसका पालन नहीं किया गया, और यही वजह है कहीं ना कहीं वक्त पर चुनाव जो है वो नहीं हो पा रहा है। और अब ऐसा लग रहा है क्योंकि विपक्ष के पास में अधिकार इसलिए नहीं है कि 2012 में जो आरक्षण का प्रावधि हमने 2017 में अपनाई है जी, इसी प्रावधि को रैपिड सर्वे को अपना कर इसी प्रकार से चुनाव 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने कराया था जी। तब मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे। अब 2017 में जब हमने वही प्रक्रिया को अपनाया तो उनको त्रुटिपूर्ण दिखाई पड़ा। अब तो माननीय न्यायालय का निर्णय आ गया है और हम कह रहे हैं कि हमने आयोग का गठन भी कर दिया है और न्यायालय के निर्णय के अनुसार आयोग अपना सर्वे पूरा करेगा, उसके बाद हम चुनाव जो नियम संगत तरीके हैं उनके अनुसार हम चुनाव कराएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश शर्मा जी हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, निकाय चुनाव पर जुड़ी ये अहम जानकारी, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और सुनील सर्जन जी समाज